गाइस कैसे हैं आप सब। चूंकि आज है श्रावण शिवरात्रि, तो इसलिए मैं जो है जो पंडित जी ने मुझे जिस तरीके से बताया था उसी तरह से मैं पूजा करने का कोशिश कर रही हूँ। तो ये रहे मेरे छोटे से शिव शंभू भगवान, जिसको मैंने और संदीप ने दोनों ने अपने खुद के हाथों से बनाया है। मंदिर में हम लोग गए थे, वहाँ से मिट्टी लाया था। बहुत अच्छा नहीं, बट जैसा भी बना हम लोग से हमने श्रद्धा के साथ बनाया है शिव शंभू का। चूंकि हमारे पास गीली मिट्टी नहीं था, जो मिट्टी था वो था बालू वाला मिट्टी, तो हमने उसी से बनाया बहुत मेहनत करके। बस शिव शंभू हमारा मन देखे और मूर्ति जैसा भी बना हो, बस जो है हमें आशीर्वाद दे। वो से मैं शिव शंभू की मूर्ति मैंने बनाया है और डेकोर कर रही हूँ, बस भगवान जी प्रसन्न हो जाए आज के डेट में। तो हो गया है मेरा पूजा शिव शंभू का, और ये देखें मेरे शिव जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि शिव शंभू का इतना अच्छा मेरे से मूर्ति बनेगा। बहुत 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 सुंदर मूर्ति है। मैं आपके साथ फोटो शेयर करूंगी, वीडियो शेयर करूंगी पूजा का। मैंने टाइम स्लैप में बनाया था क्योंकि मैं पूजा में कोई विघ्न नहीं चाहती थी, तो इसलिए। और मेरे पतिदेव अभी जो है भगवान जी का मूर्ति का पिक्चर्स ले रहे हैं, और बहुत सुंदर रहा मेरा पूजा। मुझे तो मैंने बस आधे घंटे में सारा चीज़ प्रिपेयर किया था। तो ये देखिए, ये है मेरे शिव शंभू भगवान। अगर आपने देखा होगा तो ये देखिए मेरे शिव जी। और ये मैंने भगवान जी का ऊपर में पूजा किया हुआ है। पिछली वाली जब मैंने सोमवार का पूजा किया था, तो उस टाइम पे मेरे से गलती हो गई थी। मैंने ये जो सिंदूर है ऊपर से नीचे नहीं किया हुआ था, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि जब भी पूजा करते हैं तो ये चीज़ें और सर पे दुपट्टा रखा जाता है। तो अभी साड़ी तो मैंने नहीं पहना था, जो मेरे पास जो था मेरे पास साफ़ सुथरा आयरन किया हुआ वही मैंने पहन लिया था। और देखो मैंने सूट का दुपट्टा जो है अपने सर पे रखा था। तो संदीप फर्स्ट टाइम मेरे साथ पूजा किए हैं। मैंने जैसे ही इनको बोला उस तरह से इन्होंने पूजा किया, क्योंकि पिछली बार सोमवार को जब भी वो मंदिर गए थे तो इन्होंने उस तरह से पूजा नहीं किया था जैसे इनको मैंने बोला था। तो इनको मदर इन लॉ से खूब सारा डांट मिला था। तो फिर आज सोचे कि अगर आज मैं नहीं करूँगा तो फिर से डांट का शिकार ना हो जाऊँ, तो इसलिए मेरा इन्होंने सारा बात माना। और जिस तरह से मैंने शिव शंभू का पूजा किया है उसी तरह से इन्होंने भी पूजा किया। भगवान करे सारा जो है हम लोग का कष्ट जो जीवन में चल रहा है, भगवान के सारे परिवार का दूर हो जाए। और मेरा भाई
जो अभी एक तरह से मतलब जो तीनों है, तीनों भाई भगवान करे सब दुख भगवान जी हर ले, उनका जितना भी कष्ट है वो जो है स्ट्रगल लाइफ उनका खत्म हो और एक अच्छा लाइफ भगवान जी उनको दे। बहुत ज़्यादा जो है मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं भगवान जी करे उनका सारा कष्ट हट ले, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके लाइफ में कुछ भी दुख तकलीफ चल रहा है, तो शिव शंभू से मेरा यही प्रे रहेगा कि वो सारा जो है दुख हरता जो है दुख सबका हट ले और एक अच्छा लाइफ स्टाइल सबको भगवान जी दे। तो आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि इसके बाद मेरे पास जो है टाइम कम है, हमें खाना भी बनाना है। पता नहीं हम क्या खाना बनाएंगे या क्या खाएंगे वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, रात के हो गए हैं 10:10। तो इसके बाद हम जो है देखते हैं क्या खा सकते हैं या बाहर का खा सकते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जय शिवरात्रि, जय श्रावण शिवरात्रि, जय शिव शंभू। और कुछ बोलना चाहेंगे? ओम नमः शिवाय। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।